हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लाई हूँ कि आप अपने दांतों को किस तरह से आप मोती की तरह अपने दांतों को चमका सकते हैं। फ्रेंड्स, करीबन 70% लोग दांतों के पीलेपन से परेशान हैं, क्योंकि दांतों के पीलेपन का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी के दांतों को पीला और काला देखता है तो उसके मन में विचार आते हैं कि जरूर यह व्यक्ति तंबाकू या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि नशीली चीजों का सेवन करता होगा। इसके और भी कई पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं नुस्खा लेकर आई हूँ आपके लिए, ये आपके दांतों की हर प्रॉब्लम को दूर करेगा और अगर आपके दांत विटामिन की कमी से पीले हैं तो वो भी दूर होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बाउल ले लेना है, उसके बाद आपको कोलगेट लेना है। मैं यहाँ पे कोलगेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी कोलगेट इस्तेमाल करते हैं आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना ले रही हूँ जितना कि मैं एक बार में इस्तेमाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बार के लिए ले लिया है। फ्रेंड्स, अब दूसरी चीज मैं इसके अंदर डालूंगी वो है बेकिंग सोडा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा चम्मच से थोड़ा कम, और एक पिंच मैं यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे लूंगी आधा चम्मच लेमन जूस। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर झाग बनने शुरू हो गए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसके अंदर ईनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ईनो बहुत कम मात्रा में लेना है, यानी कि एक पिंच आप ईनो ले लीजिएगा। अब इसके अंदर लास्ट चीज मैं इसमें ऐड करूंगी वो है कॉफी। तो इसके अंदर कॉफी थोड़ी सी ऐड करनी है, ये देखिए यहाँ पे मैं इतनी कॉफी ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, यानी कि ये बिल्कुल बन के रेडी है। अभी आपके दांतों को मोती की तरह चमका देगा। सिर्फ 2 मिनट में आपके दांत इस तरह से चमकने लगेंगे मानो जैसे आप बहुत पहले से ब्रश करते हैं, बल्कि आपसे आपके दांत एक बार में चमकने लगेंगे। तो आपको ये किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्रश ले लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ लेकर अपने अच्छे से अपने दांतों पर इसको अच्छे से ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपको ब्रश किस तरह से करना है, आपको इसे अपने मसूड़ों पर नहीं रगड़ना है बल्कि आपको इसे अपने दांतों पर ही ब्रश करना है और हल्के हल्के हाथों से करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी नींबू, बेकिंग सोडा, नमक का इस्तेमाल कर लिया है, जिससे कि आप अगर हल्के से भी करेंगे तो भी आपके दांत बहुत ज्यादा सफेद हो जाएंगे। और आपको इसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, 2 मिनट से कम समय ले लीजिएगा आप, इसमें 2 मिनट से ज्यादा समय मत लीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट के ही अंदर आपके दांत बहुत ज्यादा सफेद मोती की तरह चमकने लगे। एक बार आप इसको ट्राई करें और रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका रिजल्ट किस तरह का मिला। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने जितनी भी चीजें यूज की हैं वो आपके दांतों को क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, जैसे कि लेमन, नींबू, बेकिंग सोडा, ये तीनों चीजें आपके टूथपेस्ट में ऑलरेडी मिलाई जाती है। आप इसको 2 मिनट से ज्यादा यूज मत कीजिए, आपको इसे इसी तरह यूज करना है। यूज करने के बाद मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करना कि आपको इसका रिजल्ट किस तरह का मिला। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। जब आप इसको यूज करेंगे तब आपको इसका रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। आपको इसे वीक में 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करना है कि आपको इसका रिजल्ट किस तरह का मिला। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो प्लीज आप इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।